दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नए रोग से रिलेटेड नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज मैं आपको पेशाब के रुक जाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। मतलब यदि अगर किसी भी व्यक्ति का पेशाब रुक जाता है तो उसके लक्षण किस तरीके से दिखाई देते हैं और किन कारणों की वजह से पेशाब रुकता है और हम उसकी मेडिसिन किस तरीके से कर सकते हैं या फिर हम उसमें क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक रोग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। दोस्तों, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अगर कोई भी वीडियो लेता हूं तो उससे रिलेटेड सारी बात आपको समझाता हूं। मतलब जैसे कारण, लक्षण और फिर उसकी मेडिसिन और फिर उसमें हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं या फिर हम घर में किस तरीके से इलाज कर सकते हैं, इस तरीके से मैं आपको सारी बात बता देता हूं हर एक रोग से रिलेटेड। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं रोगों से रिलेटेड, आप जाकर कोई भी रोग से रिलेटेड मेरी वीडियो देख सकते हैं। या फिर दोस्तों, अगर आप किसी भी रोग से ग्रस्त हैं तो मुझसे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसी रोग से रिलेटेड जो है वीडियो बना दूंगा। या फिर दोस्तों, मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे चैट करके भी पूछ सकते हैं उस रोग के बारे में। उस रोग के बारे में ही मैं आपसे पूछ के उसकी सारी मेडिसिन और आप उसमें क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं सही तरीके से आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो की ओर चलते हैं बिना समय गंवाए। तो दोस्तों, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी के भी पथरी जो है अटक, मतलब पेशाब जो है रुक गया है, तो पेशाब जो है अगर किसी की किडनी में पथरी है तो उसकी वजह से भी पेशाब रुक जाता है, क्योंकि किडनी में से हटने के बाद जो है पथरी यदि अगर उसकी पेशाब वाली नली में अटक जाती है तो उसकी वजह से भी दोस्तों जो है पेशाब रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशाब रुक जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण इसका यह है कि यदि अगर किसी भी मरीज की प्रोटोस्टेट ग्रंथि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसकी वजह से भी पेशाब रुक सकता है, या फिर अगर किसी भी व्यक्ति को मूत्राशय ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी पेशाब रुक जाता है, या फिर दोस्तों अगर किसी लेडीज का पेशाब रुक गया है तो उसमें जो है गर्भाशय अगर लेडीज का उल्टा हो गया है, उलट गया है, तो उसकी वजह से भी उसका जो है पेशाब रुक जाता है, या फिर अगर गोनोरिया की जैसी बीमारी अगर उसको लगी है तो उसकी वजह से भी दोस्तों जो है पेशाब रुक सकता है। दोस्तों, ये थे इसके कारण कि किन कारणों की वजह से पेशाब रुकता है। अब दोस्तों, मैं इसके लक्षण बताऊंगा कि मतलब अगर किसी का पेशाब रुक गया है तो उसके लक्षण किस तरीके से नजर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि मतलब अगर किसी का पेशाब रुक गया है तो उसके जो है पेट में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, मशाने में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, दर्द होने लगता है। दोस्तों, इसका मेन लक्षण यही है कि मतलब उसको पेशाब नहीं आता। यदि अगर वो पेशाब करने के लिए जाता भी है तो बूंद बूंद करके बड़ी ही जोर लगाने के बाद जो है बूंद बूंद करके पेशाब उतरता है और बाकी पेशाब भी उसका नहीं उतरता। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है इसकी वजह से पेट में और मशाने में, और पेट उसका जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा फूल जाता है। और दोस्तों, यदि अगर ऐसी स्थिति में जो है कोई भी व्यक्ति अगर किसी लेडीज के साथ संभोग करता है, मेल करता है, तो उसके जो है संभोग करने के बाद जो पेशाब आएगा तो पेशाब कुछ दोस्तों चूने जैसे कलर का आता है, मतलब कुछ वाइट कलर का, कुछ चूने जैसे कलर का और कुछ ब्लड जैसे कलर का उसका पेशाब उतरता है। दोस्तों, ये थे इसके लक्षण के किस तरीके से इसके लक्षण नजर आते हैं। अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि आप इसकी मेडिसिन किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसकी मेडिसिन की ओर। तो इसका इलाज कुछ हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि अगर किसी भी पेशेंट का पेशाब रुक गया है या घर में किसी का भी पेशाब रुक गया है और डॉक्टर की कोई भी मतलब स्थिति नहीं है कि मतलब आप डॉक्टर के पास उसे लेके जा सको, डॉक्टर नहीं है आपके गांव में, तो आप जो है उसको जो है मेडिकल से आप टैबलेट लें। नॉरफ्लोक्स टैबलेट आती है दोस्तों 400 mg में, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो टैबलेट दे दें, उससे जो है पेशाब बहुत जल्दी उतर जाएगा। यदि अगर दोस्तों उससे भी पेशाब नहीं उतरता है तो लासिक्स टैबलेट आती है 40 mg में, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो भी दे सकते हैं। या फिर दोस्तों फ्रूसिलेक टैबलेट आती है
प्रोसिलेक टैबलेट का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो भी दे सकते हैं। या फिर दोस्तों लेसिलेक्टोन टैबलेट आती है, लेसिलेक्टोन 50 mg में आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो भी दे सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको चार टैबलेट बताई हैं, इन चार टैबलेटों में से आप कोई भी एक टैबलेट मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसको इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब इंजेक्शन की स्थिति बन जाती है, क्योंकि टैबलेट जो है बहुत देर से असर करती है, मरीज की ज़्यादा गंभीर स्थिति है तो आप उसमें जो है इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन जो है तुरंत ही लाभ पहुँचा देता है और तुरंत ही असर करके मरीज को सही कर देता है। दोस्तों लास्ट 6 इंजेक्शन आता है 20 mg में और 80 mg में, आप जो है मरीज के अनुसार आप जो है वो इंजेक्शन दे सकते हैं। और दोस्तों एमोक्सिल इंजेक्शन आता है 500 mg में और 1 ग्राम में, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो भी दे सकते हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना कि मैंने जितनी भी ये मेडिसिन बताई है आप जो है किसी डॉक्टर से सलाह लेकर इन दवाइयों का यूज करें, या फिर अगर आप खुद डॉक्टर हैं तो मरीज की आवश्यकता अनुसार ही इन दवाइयों का यूज करें। दोस्तों अगर आप किसी डॉक्टर से नहीं पूछना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे चैट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कितनी डोज जो है किस मरीज को देनी है। दोस्तों यदि अगर इन सब टैबलेटों से भी इंजेक्शन से भी अगर पेशाब नहीं उतरता है, सबसे पहली बात तो दोस्तों इनसे संभव है कि मतलब पेशाब आ जाता है, यदि अगर पेशाब नहीं आता है तो आप उसमें जो है मरीज के कैथेटर लगा सकते हैं, कैथेटर अंदर प्रवेश कर सकते हैं उसके। और कैथेटर कितने कितने नंबर का आता है, जैसे कि दोस्तों 4 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 का और 11 का और 12 नंबर का कैथेटर आता है। दोस्तों ये आप उसको आसानी से लगा सकते हैं, इससे दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ पेशाब मरीज का आ जाएगा। दोस्तों कैथेटर किस तरीके से लगाना है और कौन से मरीज के क्या नंबर का कैथेटर लगेगा, आपको जो है इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछे, मैं इसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आप कैथेटर आराम से लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से कैथेटर मरीज के लगा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।